दोस्तों कुत्ते ने हमला कर दिया है और वो हालत खराब हो रखी है। दौड़ के पकड़ लिया। दोस्तों ये मोर रोजाना हमारे घर और आसपास खेला करता था, बोला करता था। आज कुत्तों ने इस पर बहुत ज़बरदस्त हमला कर दिया है, बुरी तरह से इसको घायल कर दिया है। बड़ी मुश्किल से बचाया और कुत्तों के संगुल से बचाना बड़ी मुश्किल बात हो गई। दोस्तों अभी हमारे विश्वास पे था तो मरने भी कैसे देते। हमने उसको उठाया और दवा दारू करने की पूरी कोशिश की, पानी पिलाया, चुग्गा दिया और ठंडी जगह पे इसको लिटा दिया ताकि थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। दोस्तों जो हम दवाई जानते थे वो इस मूक बधिर जानवर को दी। डॉक्टर को फोन किया, उसने आने का कहा। दोस्तों वेटनरी डॉक्टर आया भी, लेकिन जब मैंने उसको बताया कि एक मोर का ट्रीटमेंट करना है तो उस शख्स ने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। उसको पैसे की ज़रूरत थी, मैंने पैसे भी देने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो तो भाग गया कि मैं इस फोटो फ्रेम में नहीं आना चाहता। फिर हमारे इलाज से वो ठीक हुआ और उसके बाद जंगलात वालों को फ़ोन किया ताकि उसको सही जगह रिलीज किया जा सके। तो इसको गर्दन के नीचे और इस सामने दिखने वाले पंख के नीचे बड़ी ज़ोरदार चोट है इसके। ये खड़ा हो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे ही है ये। दोस्तों ये जगह है जहाँ पर ये मोर बैठा करता था मेरे पिताजी के बिल्कुल पास में, और मेरे पिताजी के और इस मोर के बड़ी बॉन्डिंग हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। ये बैठा करता था इनके पास में और इस पेड़ पर। बोलेन मोरिया। दो दिन दोस्तों ये बीमार रहा। बोलेन मोरिया। तो हमारे परिवार में इतना घुल मिल गया कि सच में क्या बताए दोस्तों। दोस्तों ये हमारी रिक्वेस्ट पर दो बार बोला और बच्चों के जैसे आनंद का विषय हो गया, बड़ी प्रसन्नता का माहौल हो गया। क्यों ना हो, इतना सुंदर पक्षी जो घर में है मेहमान बन के आया है। दोस्तों बेचारे की हालत बड़ी खतरनाक थी लेकिन हमने सोचा कि शायद ये रिकवर हो गया है क्योंकि ये उड़ने की कोशिश में था, तो सोचा कि अब शायद ये ठीक हो जाएगा और सुबह जंगलात वाले जब भी आएंगे तब इसको लेके चले जाएंगे। तो इसी आशा में हम रह गए। मोर सच में इतना प्यारा और सुंदर पक्षी है जिसको देखने का मन करता है, बस देखते जाए।
दोस्तों 2-3 घंटे में रिकवर हो गया और ये ऐसा लगने लगा कि अब ये ठीक है। देखो उड़ने की भी कोशिश कर रहा है और हमको तसल्ली हुई कि अब ये ठीक हो जाएगा। और थोड़ी बहुत कमी रही है तो जंगलात वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसको सही कर लेंगे और फिर इसको हम फ्री छोड़ दिया। बाहर से थोड़ा सा जाली लगा दी ताकि कुत्ता अंदर न जाए। और ये रामोर जो मरने की हालत में था इसलिए हमने पकड़ के इधर ला दिया है। हमें क्या मालूम कि जो घाव जहाँ कुत्ते ने काटा था उसमें पॉइजन हो गया है और बिल्कुल ही निडाल हो गया दोस्तों। और पूरी परिवार का चहेता मोर मरणासन की स्थिति में हो गया दोस्तों। मरते वक्त भी उसने हमारी रिक्वेस्ट मानने की कोशिश की, खूब कोशिश की इसने। और देखिए ये जो घाव है इसकी वजह से भी बेचारे का पॉइजन हो गया है। और जंगलात वालों ने ना ही वेटनरी वालों ने इस पर ध्यान दिया और हमारा चहेता मोर प्रणाशन की स्थिति में हो गया। बच्चे आए और अंत में दोस्तों इसने अपनी रंग बिरंगी पंखों से हमें सलामी दी और अंतिम विदाई के लिए तैयार हो गया दोस्तों। मोर चला गया लेकिन एक चीज छोड़ करके चला गया कि शायद अगर हमने अपर लेवल पे फोन किया होता तो शायद हमारे परिवार में बच्चे रोने की स्थिति में नहीं आते। लेकिन क्या कर सकते थे।